सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 31 अगस्त 2022 से, और लास्ट डेट होने वाले हैं यहाँ पर 20 सितंबर 2022। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए पोस्ट है, जहाँ टोटल 11 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 8, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर मिनिमम 26 साल, मैक्सिमम 35 साल तक का एज रखा गया है। और जॉब लोकेशन आपके होने वाले हैं नवी मुंबई में। इसके बाद है डीवाई मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए, जहाँ अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ 5 पोस्ट पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है सिस्टम ऑफिसर स्पेशलिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में, जहाँ अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपके एज लिमिट रखे गए हैं डीवाई मैनेजर और सिस्टम ऑफिसर के लिए मिनिमम 24 और मैक्सिमम 32 साल तक का। यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन होने वाले हैं नवी मुंबई। यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल हो गए हैं, जहाँ पर एसटी एससी को 5 साल के और ओबीसी को 3 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ पर पोस्ट है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए, जहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन रखे गए हैं बीटेक या बी या एमटेक, एमई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जो 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। यहाँ पर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है एमबीए या पीजीडीएम, जो स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत में होना चाहिए। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस रखे गए हैं 5 साल तक के, जो कि एज डाटा साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल मॉडल डेवलपमेंट के अंतर्गत में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म के अंतर्गत में होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ डीवाई मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन है बी बी टेक एम ई एम टेक होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस या कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत में होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन या एमबीए या पीजीडीएम। इसके साथ में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एवाईएमएल मॉडल डेवलपमेंट के अंतर्गत में एज अ डाटा साइंटिस्ट। इसके बाद है प्रेफर्ड जो पोस्ट क्वालिफिकेशन होंगे, तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, एमबीएफसी, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट फर्म के अंतर्गत में होना चाहिए। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ बेसिक क्वालिफिकेशन है बी बी टेक एम ई एम टेक, जो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। यहाँ पर आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखे गए हैं 3 साल के, जो कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में होना चाहिए। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में 3 साल के एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में प्रेफर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में ओरेकल सर्टिफिकेट प्रोफेशनल के अंतर्गत में होना चाहिए, जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए DB2, ग्राफ, ओरेकल, DBA होना चाहिए। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ मैनेजिंग लिनक्स, रेड हैट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको SBI बैंक के करियर ऑप्शन को चूज करना है, वहाँ पर जाके अपने स्कैन फोटो और रिज्यूम को अपलोड करना है, अपने सारी जानकारी को अच्छे से भरना है। तो यहाँ पर आपके वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर होने चाहिए। इसके बाद में आपको रजिस्टर करके सबमिट का ऑप्शन दबा देना है और सामने जो डिटेल्स लिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आने वाले होंगे। यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन आपके होंगे शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको ईमेल के थ्रू अपडेट दिया जाएगा। SBI के इस पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म फिलअप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।